दिल्ली की दहलीज पर चल रहे किसान आंदोलन का आज है 58वां दिन। कई दौर की बैठकों के बाद भी किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी है। ऐसे में आज एक बार फिर किसान संगठन और सरकार आमने सामने होंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज विज्ञान भवन में 11वें दौर की बैठक है। 20 जनवरी को हुई पिछली बैठक में सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को 1.5 वर्षों तक के लिए निलंबित रखने और गतिरोध समाप्त करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वो आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय पेश करेंगे। तो वहीं गुरुवार को किसान संगठनों ने अपनी आंतरिक बैठक की, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मोर्चा तीनों कृषि कानूनों रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर कायम है। इधर 26 जनवरी को निकाले जाने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच आज एक बार फिर बैठक है। दरअसल किसान ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर हो, जबकि पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर ना करके कहीं बाहर निकाली जाए। पुलिस ने रैली के लिए केएमपी के रास्ते का सुझाव दिया है, लेकिन पुलिस के इस सुझाव को किसान मानने को तैयार नहीं है। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 58वां दिन है आज। देखिए, बीते 58 दिन से देश भर में जो एक छोटे रूप में आंदोलन के तरीके से चालू हुआ था, वो बड़ा हो चला है। अधिक अपडेट के साथ में वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 58 दिन, पूरी सर्दियों का जो भीषण दौर था वो भी निकल गया, किसानों की मांग जायज है और कहीं ना कहीं एक मांग पर बने हुए हैं, किसी भी सूरत में कानूनों को रद्द करने की मांग, 11वें दौर की बैठक। नीरज जी, आज देखिए, लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि किसानों की मांग जायज है, क्योंकि सरकार का दावा है कि ये जो कानून बने हैं वो किसानों के हित में बने हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये देखिए, किसान इनको कह रहे हैं कि जो कानून बने हैं किसानों के विरोध में बने, किसानों के हित में नहीं है। जी, वापस ये तो एक बहस का विषय है कि किसान ये कानून बने हैं किसानों के हित में है या किसानों के विरोध में है, लेकिन किसान पूरे देश में इन कानूनों के खिलाफ है और आंदोलनरत है। और जिस तरह से आज वार्ता होनी है, तो वार्ता से पहले ही इसका जो है निर्णय साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि ये इस वार्ता में भी कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जी। क्योंकि किसान अभी भी, जैसे कि अपन बता रहे हैं रोज, कि किसान अभी भी अपनी जो मांग है कृषि कानूनों को रद्द करने की उसी पर अड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं चाहती है न इनको रद्द करने के मूड में है, सरकार ने कहा कि वो इसको स्थगित कर देगी जी। तो ऐसी स्थिति में इस आज की वार्ता से कोई समाधान का रास्ता निकल रहा हो ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन क्योंकि देखिए, सरकार का काम है किसान नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित करना और जब बातचीत होती है तो कुछ एक दूसरे की सुनते हैं और जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भी नजर आता है कि चलो इस मुद्दे पर नहीं दूसरे मुद्दे पर बातचीत होगी जी। तो कहीं ना कहीं इन बातचीतों से थोड़ी जो आपस की तरक्की है उसमें गिरावट जरूर आती है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज की बातचीत, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में किसान सेक्टर रैली को लेकर साफ कर दिया कि पुलिस तय करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा इस मामले में हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देखने के हैं कि आज जो बातचीत होती है उसमें सरकार की तरफ से और क्या नया प्रस्ताव रखा जाता है किसानों के सामने, और किसान नेता जो सरकार ने 1.5 साल तक स्थगित करने की बात कही थी उसके बाद में क्या तय किया जी। क्योंकि किसान नेताओं की कल जो बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, एक के बाद एक उनके आपस में किसान नेताओं के जो अलग अलग यूनियनों के नेता है उनके बीच आपस में बातचीत हुई है, उन लोगों ने क्या तय किया, वो अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। हालांकि उनकी दो टूक यही है कि कृषि कानून वापस लिए जाए तभी किसी तरह की बातचीत हो सकती है जी। नीरज, इसके अलावा जो 26 जनवरी है उस पर भी संशय बरकरार है, लगातार किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत इस संबंध में हो रही है, इस संबंध में आज एक और बैठक है। नीरज जी, बिल्कुल, लगातार बातचीत होना अच्छा संकेत माना जा सकता है, क्योंकि देखिए, मैंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से निकल सकता है। बिल्कुल, और सरकार इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरत रही है ताकि कोई भी ये आरोप नहीं लगा सके कि सरकार ने किसानों से बातचीत नहीं की, उनको अवसर नहीं दिया, किसान नेताओं के बात अपनी बात नहीं रखी। तो ये एक सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है और एक के बाद एक लगातार बातचीत हो रही है। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि अब सरकार ने जो 1.5 साल तक के लिए कानून स्थगित करने की बात कही थी जी, उसके बाद में किसान नेताओं का क्या रुख रहा है, बिल्कुल वो रुख
आज इस जो वार्ता होगी इसमें पता लग सकेगा। जी हालांकि जो अभी तक ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत सामने आई है किसान नेताओं की, किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि वे कृषि कानूनों को रद्द होने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे, ये बात वे पहले ही दिन से कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन आज 58वें दिन जारी है और आपने देखा होगा कि जोश में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं नजर आती है, बिल्कुल, और 6 महीने की तैयारी में वो तैयारी के साथ हैं। जी और अब तो सर्दी भी निकल गई है, पेट्रोल भी निकल गई है, अब किसानों का आंदोलन और जोर पकड़ सकता है यदि। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि सर्दी निकल चुकी है तो ऐसी स्थिति में देश भर के किसान वहां धीरे धीरे और बड़ी संख्या में जुट सकते हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज की बातचीत का देखते हैं क्या हल निकलता है, इसमें क्या मसौदा सरकार की ओर से दिया जाता है और किसान सरकार के 1.5 साल के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेते हैं, ये भी आज पता लगेगा। जय हिंद जी। चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।